तो जैसा कि रिसेंट राइड्स में शाम हो जाता था, रात हो जाता था चलाते चलाते, तो उसमें लाइट की दिक्कत तो फील हुई। सिटी में जहाँ पे वेल लिट एरियाज है तो उसमें तो इतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन जैसे हाईवे पे चले जाओ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, और ऐसे किसी रास्ते पे जाओ जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो वहाँ पे इसकी जो स्टॉक लाइट है ना वो कम पड़ती है। तो अभी शॉप पे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। और अभी तक मैंने नहीं लगाया क्योंकि मुझे वही डाउट था कि वायर कट होगा फिर लगेगा, और इसके इलेक्ट्रिकल्स को मैं छेड़ना नहीं चाहता था कि वायर वायर कट करूँ और उससे वारंटी भी वॉइड हो जाता है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद देखा है मैंने, और दो लाइट्स अपने बजट में ढूंढा है जिसमें कि वायर कट नहीं होगा। तो चलते हैं, आपको भी दिखाता हूँ कैसे प्लग एंड प्ले सारा सिस्टम है, कहाँ से लिया मैंने, कितने का पड़ा, इंस्टॉलेशन कैसे हुआ है ना। चलो लेट्स गो। जो नेक्स्ट राइड लगने वाली है ना वो अब तक की सबसे लॉन्गेस्ट राइड होगी मेरी, कहाँ जाऊँगा दैट्स अ सरप्राइज, और सोलो ट्रिप है। देखो ऐसे फर्स्ट प्लान तो यही रहता है ना कि अंधेरा होते होते शाम होते होते वील जस्ट बुक अ रूम एंड स्टे, पर ऐसा होता नहीं है, थोड़ा आगे पीछे खिंच जाता है, तो इसलिए सोचा लगा ही लो, इन्वेस्टमेंट है कर देते हैं। ओ भाई डिफेंडर भाई साहब ह्यूज है यार, बोनट इतना ऊंचा है इसका। जीएली अब सीधा चलते हैं डायरेक्ट होलसेल वाली दुकान पे। पहुंचते ही जल्दी से लाइट्स निकलवा लिया, उसके बाद दोनों लाइट्स को एक बार चेक कर लिया। क्लैंप एक है और लगा और लेना होगा ना क्लैंप। हाँ अब एक बार जलाना। वाह तगड़ा यार। और बहुत सारे ऑप्शंस थे, एक्सेसरीज थे, तो मैंने हेलमेट के लिए एक ब्लूटूथ स्पीकर भी ले लिया, उसी के साथ एक क्लैंप और एक पैर ऑफ ऑक्सिलरी लाइट। लाइट्स तो ले लिया पर इनके पास हार्नेस नहीं था, हार्नेस और स्विच, तो हार्नेस और स्विच आगे चल के लेते हैं कहीं से। ये तो होलसेल दुकान था ना, तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं होता, यहाँ पे बस मिलता है, दूसरे जगह इंस्टॉलेशन करते हैं, वहीं पे हार्नेस भी ले लेंगे। जब एक बार लग जाएगा ना तब बताऊँगा अच्छे से सब कुछ क्या है कितने का है। चलो यार इतना ट्रैफिक, ये क्या घाटी का करोल बाग है क्या? वैसा ही समझ लो भाई, बाइक की दुकानें गाड़ियों की दुकानें ट्रैफिक सब है। फिर एक बाइक शॉप पे जाके हार्नेस खरीदा और ऑक्स लाइट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। फिर थोड़ा टेस्ट किया कि प्लेसमेंट कहाँ बेटर होगा, एंड देन ऑक्स लाइट को फिट कर दिया। वायरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जो पूरा कपलर टू कपलर कनेक्शन था। अब बैटरी से कनेक्ट करना था और वायरिंग को टाइडी करना था, तो फ्रंट सीट को खोल दिया। अब लाइट के कनेक्शन को इग्निशन से अटैच करके कनेक्शन सिक्योर किया और प्रोसेस हो गया कंप्लीट। फिर बाइक को रीअसेंबल कर दिया गया। चलो गाइस लाइट तो लग गया, HJG 60 वॉट
अभी एक बार चला के दिखाता हूँ। ये ऐसा कुछ थ्रो इसका, और इसको अगर ऐसे निकाल दूँ तो ये हो गया वाइट। चलो बाकी अभी तो दिन है, रात में आपको दिखाता हूँ इसका थ्रो। अंधेरा हो गया, अब चलते एकदम पिच डार्क एक एरिया में और फिर इस लाइट को टेस्ट करेंगे। कितने का पड़ा, कैसे पड़ा मैं बताता हूँ अभी। ये जो दोनों लाइट्स हैं, दीज आर HJG 60W 4 LED, एंड इसके साथ एक हारनेस भी लिया मैंने HJG का ही, और जो क्लैंप है वो भी HJG का है, और एकदम प्लग एंड प्ले सिस्टम था। डायरेक्ट बैटरी में दो कनेक्शन किया, उसके बाद सीधा उनका हारनेस आया, इस पर कपलर टू कपलर कनेक्ट हो गया, और वही कपलर से स्विच भी कनेक्ट हो गया। ये रहा स्विच, अभी मैं ऑन करता हूँ इसको, फिर आपको दिखाता हूँ। और सब कुछ लेके ऑलमोस्ट 5000 हो गया। तो गाइस अभी जैसा आप देख रहे हो एकदम पिच डार्क कंडीशन पे आ गया हूँ। बाइक को सबसे पहले मैं दिखाता हूँ बाइक की स्टॉक लाइट में लाइट कैसी है। ये देखो, ये बाइक की स्टॉक लाइट है लो बीम, ये है हाई बीम, और अब मैं ऑन करता हूँ अपने ऑक्स लाइट को जो मैंने अभी लगाया है, HJG 60W 4 LED। ये रहा, कुछ ऐसा है गाइस सेटअप। और दूर तक थ्रो है, काफ़ी सही है। अभी इसको एक बार मैं ऑफ कर देता हूँ, ये देखो दूर तक थ्रो है ना, इसको कर देता हूँ एक बार ऑफ। अंधेरा हो गया, ये हाई बीम, ये लो बीम, लो बीम के बाद ऑन किया तो पूरा दूर दूर तक क्लियर दिख रहा है। अब इसके ऊपर मैं अगर वो येलो वाले कवर्स भी लगा दूँ तब आपको दिखाता हूँ लाइट। और ये जो कवर है ये लाइट के साथ ही आता है, येलो फिल्म, ये इसके ऊपर ऐसे लगा दूँ, उधर भी लगा दिया। तो अब इसे एक बार जलाऊँ मैं, तो अब देखना आप, ये देखो ये है येलो वाले का थ्रो, है ना बढ़िया। तो ये वाले जो लाइट है HJG ब्रांड के 4 LED 60W, ये दोनों पड़े 2400 के। ये जो क्लैंप है, दीज आर ऑल्सो फ्रॉम HJG, ये पड़े मुझे 300 के, तो 2700। और ये लाइट बाइक में लगाने के लिए एक हार्नेस लिया, वो भी HJG का ही है, 1200 रुपये उसका। तो ये इंडिविजुअल प्राइसेस, और इन सबको फिट करने का 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा, 4500 रुपये के अप्रॉक्स में सब काम हो गया। और ऐसी आ रही है कुछ लुक। अब एक मैंने निकाल रखा है कवर और दूसरा लगा रखा है, ये भी लगा देता हूँ, ऐसा आ रहा है पूरा लुक। अब चलो इस अंधेरे वाले रास्ते पे थोड़ा आगे चलता हूँ। ये है पूरा ऑफ रोड पैच और यहाँ पे ज़रा भी लाइट नहीं है, और बाइक की लाइट देखो इतना ज़्यादा इसमें पावर नहीं है। अब इसी को मैं ऑन कर दूँ अगर अपनी, ये देखो पावर काफ़ी तगड़ा है यार। तो यही था गाइस इस वीडियो के लिए, एक वीडियो कैसा लगा कमेंट्स पे ज़रूर बताना, लाइट्स का थ्रो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताना। एक और ब्रांड है मैड डॉग, मैड डॉग का अगर मैं लगाने जाता ना तो 10,000 का तो पूरा सेटअप था, और उसके ऊपर एडिशनल इंस्टॉलेशन भी लगता, एंड उससे हाफ प्राइस में ये उससे बढ़िया थ्रो देता है, और वायरिंग हार्नेस और इंस्टॉलेशन सेटअप सब कुछ आपने देखा वो भी बढ़िया है। तो ऑल इन ऑल काफ़ी बढ़िया काम हो गया आज, तो अब टूर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, मस्त एकदम रात को भी ट्रैवल कर सकेंगे। वैसे मैं ऐसे रात को ट्रैवल करना सजेस्ट तो नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए, बट इन केस अगर आप कभी हो रात में चला रहे हो तो दीज विल हेल्प। तो यहाँ देखो गाइस पूरा अंधेरा है, अब यहाँ मैं अपनी ऑक्स लाइट जला लेता हूँ, ये देखो काफ़ी उजाला कर देता है। ये स्टॉक लाइट्स है, तो स्टॉक के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है यार। और जो गाइस मैंने हेलमेट स्पीकर्स लिए वो भी काफ़ी चीप है, वो 800 रुपये के पड़े। अब तक का सबसे लंबा राइड होने वाला है ये,
एंड बिना हेलमेट स्पीकर्स के तो काफ़ी बोरिंग हो जाता, और सोलो जा रहा हूँ तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है ना, तो अभी हेलमेट स्पीकर ले लूँगा तो बढ़िया मज़े में मौज करते करते चला जाऊँगा। और इंटरकॉम तो भाई अगर आप मिनिमम लेने जाओ अच्छे ब्रांड का, तो एक आता है पारानी, वो थे लगभग 7,500 रुपये के, और उसके ऊपर लेने जाओ सेना का एंट्री लेवल वाला तो वो थे 16,000-17,000 रुपये के। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये सारे इंटरकॉम्स। तो मैंने सोचा यार अभी के लिए सोलो राइड है, हेलमेट स्पीकर तो चाहिए ही, तो चलता हूँ पहले ये 800 रुपये वाले ही ले लेता हूँ, राइड लगाऊंगा बढ़िया यूज़ करूँगा, ख़राब होगा फेंक दूंगा कोई सीन नहीं। तो चलो बढ़िया, एक हेलमेट स्पीकर्स भी हो गया है, फॉक्स लाइट भी लग गया, और एक दो चीज़ें हैं उनका भी अपडेट दे दूंगा मैं आपको, और फिर निकल जाएंगे अपने राइड पे।